सब अच्छा है, बट सब यहाँ पे ब्रेक लेनी है, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब पीपल्स पार्टी इस नतीजे के बावजूद, जो कि वट्टू साहब जिनका इजहार कर रहे हैं, इन नतीजे के बावजूद भी पीपल्स पार्टी में एक ये वेव है कि पंजाब के प्रेसिडेंट मंजूर अहमद वट्टू साहब को तब्दील कर दिया जाए। अगर मंजूर वट्टू साहब को तब्दील कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंटशिप जो है वो ले ली जाएगी पीपल्स पार्टी की, तो फिर मंजूर अहमद वट्टू साहब का पीपल्स पार्टी में मुस्तकबिल क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आप अपनी चौधराहट के लिए लेट डाउन करते हैं सिर्फ लोगों को बुला के? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कोई चौधराहट वाली बात नहीं है। अब हमें ये हमारी एक ड्यूटी है, नहीं ये तरीका, ये तरीका नहीं, आपकी ड्यूटी ये है कि आप बेइज्जत करें लोगों को बुला के। नहीं सर, तो बहुत अच्छा किया है वो, हम तो वही बात कर रहे थे। नहीं तो मैं भी पर्सनल हो जाऊँ आपके इंटरव्यू में, पर्सनल हो जाऊँ आपके लिए, तो आप ठीक रहेंगे? फिर मुझे फारिग भी कर दिया, सदारत से भी आपने मुझे फारिग कर दिया, लोगों के कहने पर भी फारिग कर दिया, पीपल्स पार्टी के लोग चाहते हैं मुझे हटाना चाहते हैं, फारिग हो जाऊँ तो फिर क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए क्या करती है आप। सवाल तो सर फिर इस तरह के होते हैं, आप उसको कर सकते हैं कि भाई मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी में ही रह गई, या जो भी आप जवाब देना चाहें वो तो आपकी मर्जी, लेकिन हम सवाल तो फिर हमें इतना राइट तो दें कि हम कम से कम सवाल कर सकें। आपके इंटरव्यू में नहीं बैठूंगा। नहीं, ऐसे ऐसे जैसे नून लीग की लड़की बैठी हो मेरे सामने। ऐसी बात नहीं, नून लीग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब सोलो बैठे होते हैं ना, जब सोलो बैठे होते हैं तो फिर आपको ऑपोजिशन के सवालात करने पड़ते हैं। आपने टोटल मेरी जात पे सारा इंटरव्यू इस वक्त तो किया है। एक ये पहली ब्रेक थी, दूसरी ब्रेक पीपल्स पार्टी पे आपने किया है सर। कल हमारा इलेक्शन है, एक तो गलत मौके पे आ गया मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे पता था कि एक अच्छी खूबसूरत खातून होगी इंटरव्यू करने वाली, मैं जरा खुश हो गया होगा। तो आप जैसी शख्सियत होगी तो फिर सवालात तो कुछ बनते ही हैं।